लास्ट वीडियो में आप में देख चुके हैं कि मैंने अभी तक जो भी वीडियो मैंने बनाई है उसमें ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं और टैब कैसे बनते हैं। आज हम करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट में डाटा टाइप कैसे इंसर्ट करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। तो जैसे ही मुझे कभी भी किसी भी सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा टाइप डालने हैं तो फर्स्टली मुझे क्या करना होता है, यहाँ से जाना है सेटअप। यहाँ से जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट के टैब पे टिक करूँगा तो राइट साइड एक ऑप्शन आएगा course.com का, देन यहाँ पे टिक किया। यहाँ से जाना है व्यू फील्ड, व्यू फील्ड पे जैसे ही जाके मैं न्यू पे टिक करूँगा। जैसे ही न्यू पे टिक किया देन ये जो आपके सामने स्क्रीन के सामने दिखाई देंगे ये सारे क्या है, आपके डाटा टाइप है। फर्स्ट आता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर ये होगा जो वैल्यू जो सीक्वेंस में नंबर देता है, जैसे कि बिल जनरेट, बिल बनता है कभी भी, बिल ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली चलता रहता है। ऑटो नंबर हमेशा मुझे आउटपुट देगा, इनपुट नहीं देगा। देन उसके बाद आता है फार्मूला। फार्मूला ये बताएगा, फार्मूला भी मुझे हमेशा आउटपुट देता है, इनपुट नहीं देता। देन आते हैं चेकबॉक्स। चेकबॉक्स का काम होता है जैसे कि दो ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स, किस पे टिक करना है वो कौन बताएगा मुझे, चेकबॉक्स है। करेंसी, करेंसी ये बताएगा जब भी मुझे मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करनी है तो मुझे करेंसी पे जाना है। डेट, डेट ओनली डेट को दिखाएगा। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ये दिखाएगा कि मुझे डेट भी दिखाएगा और साथ में टाइम भी दिखाएगा। देन आपका आएगा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस ये बताएगा कि जैसे कि जीमेल @gmail.com होता है, @yahoo.com, उस चीज़ को वैलिड करेगा। जियो लोकेशन, जियो लोकेशन ये बताएगा कि एक यहाँ से जैसे कि आपके घर से मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस कितना, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जियो लोकेशन यूज़ करूँगा। नंबर क्या करेगा, सिंपल नंबर ऐड करेगा 0 to 9। नंबर और करेंसी की मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो होगी 18 करेक्टर। देन आएगा मेरे परसेंटेज। परसेंटेज ये दिखाएगा कि जैसे आपके मार्क्स होते हैं, मार्क्स कितने परसेंटेज बनता है उसी को कैलकुलेट करेगा। देन आ गया फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर क्या है, जब भी आपको फ़ोन नंबर डालना है उसकी फॉर्मेट के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, फ़ोन नंबर डाटा टाइप यूज़ करते हैं। पिक लिस्ट, पिक लिस्ट ये होता है जो मेरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, जैसे कि ये मेरा एप्लीकेशन मेन्यू है, ये क्या एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस तरह से मुझे पिक लिस्ट दिखेगा। पिक लिस्ट और मल्टी पिक लिस्ट में ये फ़र्क होता है, पिक लिस्ट में क्या होता है एक वैल्यू पे, एक टाइम पे एक वैल्यू ऐड होती है। मल्टी पिक लिस्ट में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू ऐड होती है सेम टाइम पे। देन उसके बाद आ गया टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, सिंपल मुझे किसी का नाम डालना, कुछ भी डालना, तो मैं टेक्स्ट डाटा टाइप यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट की लेंथ जो होगी वो 80 होगी। टेक्स्ट एरिया ये बताएगा कि 255 करेक्टर मैं एक टाइम पे एक ही लाइन पे लिख सकता हूँ। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग 1,33,000, इतना मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ। टेक्स्ट एरिया रिच सेम है, बस टेक्स्ट एरिया लॉन्ग और टेक्स्ट एरिया रिच में ये डिफरेंस होता है, जब भी मैं टेक्स्ट एरिया लॉन्ग यूज़ करूँगा तो मैं बस डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, इमेज वगैरह ऐड नहीं कर सकता। जब भी मैं टेक्स्ट एरिया रिच डालता हूँ तो वो क्या करेगा, इमेज को भी ले लेगा, टेक्स्ट को भी ले लेगा और उसके URL को भी लेगा। टेक्स्ट इनक्रिप्टेड क्या होता है, ये पासवर्ड की फॉर्मेट में आएगा। टाइम, टाइम ये बताएगा, टाइम को शो करेगा कि कितने बज के, 2 बज के कितने नैनो सेकंड पर सेकंड, हर चीज़ को कैलकुलेट करेगा। URL ये बताएगा कि जब भी मुझे गूगल पिन करना है, कुछ भी URL देखना है, डाटा टाइप यूज़ करना है, किसी का URL चेक करना है, तो मैं URL डाटा टाइप यूज़ करूँगा। जैसे कि मेरे प्रोडक्ट का नाम है, जैसे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है कस्टमर डिटेल। कस्टमर डिटेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मुझे लेना पड़ेगा जीमेल आईडी डाटा टाइप। मैंने यहाँ से जीमेल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते ही देन यहाँ पे लिखा कस्टमर कस्टमर आईडी। अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो ये रिक्वायर्ड फील्ड होती है, यहाँ से डुप्लीकेसी नहीं आएगी, यहाँ से एक्सटर्नल आईडी के थ्रू मैसेज कर सकता हूँ। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन सेव एंड न्यू, दूसरा डाटा टाइप डालने के लिए। फर्स्ट मैंने डाला जीमेल, अब मुझे चाहिए कस्टमर फोन नंबर, तो मैंने डाटा टाइप लिया फोन नंबर। नेक्स्ट, देन मैंने यहाँ से लिखा फ़ोन नंबर, नेक्स्ट,
नेक्स्ट देन मैंने यहाँ से किया सेव एंड न्यू। फ़ोन नंबर के बाद मुझे चाहिए कि उसका एड्रेस, एड्रेस के लिए मैंने कह लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ से लिया टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाटा टाइप का नाम लिख दिया कस्टमर एड्रेस। नेक्स्ट नेक्स्ट देन यहाँ से सेव एंड न्यू। लास्ट में मुझे जानना है पिन कोड, पिन कोड मैंने ले लिया नंबर में डाटा टाइप। देन यहाँ से नंबर सेलेक्ट किया, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा पिन कोड। नेक्स्ट नेक्स्ट देन यहां से मैंने सेव कर दिया। अब मैंने सारे डाटा टाइप डाल दिया, अब मुझे चेक करने की मेरे डाटा टाइप कैसे दिखते, तो मैं गया कस्टमर डिटेल न्यू यहाँ से जो भी चीज़ शो हो रही है ये सारे ही मेरे डाटा टाइप है। इस तरह से मैं किसी भी और सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट में कस्टम ऑब्जेक्ट में डाटा टाइप डाल सकता हूँ। थैंक यू।